गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज आज का ये व्लॉग है ये मिस्टर गुड़गांव 2022 के साथ होने वाला है। ही इज विद मी टूडे एंड इस व्लॉग में हम इनसे उनकी पूरी जर्नी के बारे में पूछने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ आपको। सो मच डियर। सो गाइज मुझे ना बहुत खुशी हुई और मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी हुई बिकॉज ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं एंड हम भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। सो उत्तराखंड से भी जब कोई भी ऐसा नाम करता है तो बहुत खुशी होती है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो में ना मैं इनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, इनसे कुछ सवाल जवाब पूछने वाले हैं कि कैसी इनकी जर्नी रही है, इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करा है, डाइटिंग करी होगी, जो भी जिमिंग के लिए इंपॉर्टेंट था या कॉम्पिटिशन के लिए, ये सब कुछ हम सवाल जवाब करने वाले हैं एंड लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको कैसा लग रहा है कि आपकी नाम के आगे मिस्टर गुड़गांव 2022 जुड़ गया है? मुझे सीरियसली बताना चाहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जब मैं वो टाइटल लेके आया। और इसके अलावा मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए ये देख के कि चलो कोई तो है हमारे उत्तराखंड से जो निकला है आगे इन सब चीज़ों में। क्योंकि बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग से हैं जुड़े हुए हैं, मोस्टली जो है सब आर्मी में या पुलिस में इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन इस लाइन में मैं अगर ये लेके आया हूँ टाइटल तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे घर वालों को भी और मेरे सारे रिश्तेदारों को भी। सवाल ऐसे आया कि शुरू मजबूरी में किया था फिर मजा आने लगा। मतलब इससे हटके मैं बताना चाहूंगा कि जिमिंग का ख्याल मुझे ऐसे आया कि मैं स्कूल टाइम में भी ऐसा होता था कि कोई फंक्शन हो रहा है या डांस भी हो रहा है या फिर कोई स्पोर्ट्स डे है तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट उसमें करता था। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं जैसे ग्रो होता रहा और मेरी जो एज बढ़ती रही साथ के साथ तो मुझे ये भी फील हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्किनी हूँ और मेरा काफ़ी ज़्यादा बेबी फेस भी था और उम्र मेरी 22-23 हो चुकी थी। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि आप बहुत छोटे दिखते हो, आपकी उम्र भी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा छोटे दिखते हो, अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हो। और मेरा फ्रेम भी बहुत स्किनी था तो मुझे लगा कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने जिम ज्वाइन करा 2018 में। वो इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि मेरे चाचा की शादी आने वाली थी तो मेरे मॉम ने बोला था कुछ खा पी लो, थोड़ी सी सेहत बना लो ताकि कपड़े अच्छे लगे और आप शादी में अच्छे दिखो। मैं क्या ठीक है। सो मैंने ज्वाइन किया, फिर मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्म हुआ, मैं अच्छा दिखने लगा लेकिन मैं अपनी बॉडी को लेकर सेटिस्फाई नहीं था। पर मैं वहाँ पे कुछ ऐसे एथलीट्स आते थे जिस जिम में मैं जाता था कि उनका जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, अट्रैक्टिव लगती थी, जैसे सिक्स पैक एब्स, अच्छे बाइसेप। सो मैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ कि भाई मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए। तो उस टाइम से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई इन सब चीज़ों के लिए। फिर मैं धीरे धीरे मेहनत करता गया लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आती रही बीच में तो मैं कभी कंटिन्यू नहीं रख पाया। लास्ट ईयर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं कहीं रोड पर जा रहा था, ठीक है, और कुछ शराबी थे जिन्होंने मुझसे पंगा ले लिया रेड लाइट पे और पंगा लेने के बाद उन्होंने मुझे बाइक से उतारा और मारा पीटी करने की कोशिश करी। लेकिन भगवान की दुआ से ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत सारे लोग आ गए थे और उन्होंने मुझे बचा लिया। लेकिन मुझे उस टाइम ये फील आया कि पतला होना गुनाह है भाई, आपका शरीर होना ज़रूरी है। मैंने उस दिन से ज्वाइन किया तो वो थी मजबूरी। फिर जब मैं करने लगा, मेरा शरीर बढ़ने लगा, ग्रोथ होने लगी, मसल्स अच्छे होने लगे तो मुझे मज़ा भी आने लगा इसमें। जुलाई 2021 तक मैंने अपने आप को इतना तैयार कर लिया था कि मैं काफ़ी अच्छा दिखने लग गया। फिर जिम में ही मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, आप इसे थोड़ा सा और डेवलप करो और कोशिश करो कि आप कहीं ना कहीं कम्पीट करो। सो उस टाइम मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जब मैंने इतना कर ही लिया तो मैं इतना और करके देखता हूँ। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई असली इस बॉडी बिल्डिंग के लिए, इस कंपटीशन के लिए। और आज मैं यहाँ। सो नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि इस मुकाम तक आने के लिए, इतनी अच्छी फिजिक को अचीव करने के लिए क्या क्या पापड़ मिले हैं, मतलब क्या क्या स्ट्रगल कराया आपने? अनुष्का मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा इस चीज़ को लेके। असली स्ट्रगल मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो अगस्त 2021 से हुआ था। सो मैंने बहुत लोगों से बात करी इस चीज़ के बारे में कि मुझे ऐसे 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 करना है तो मुझे क्या इसके लिए मुझे करना चाहिए। सो किसी ने मुझे कुछ बताया, किसी ने मुझे कुछ बताया, वो बोलते हैं ना 10 मुँह और 10 बातें।
तो मुझे किसी का भी कुछ भी समझ में ढंग से नहीं आया। मैंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब से देखी, सर्च करी, रिसर्च करी गूगल पे, बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी किया। उसके बाद मैं इसके अंदर आया प्रॉपरली, मैंने डाइटिंग स्टार्ट करी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा मतलब लीन फिजिक था मेरा, तो मैंने कोशिश ये करी कि पहले मुझे बल्क होना है। सो मैंने उसके लिए अपनी बल्किंग डाइट स्टार्ट करी और बहुत ही ज्यादा क्लीन उसमें मैंने रखा। मैं कोई जंक नहीं खाता था, कुछ भी ऐसा नहीं। सबसे पहला वर्कआउट, मैं कभी भी अपना वर्कआउट मैंने पूरे साल भर में मिस नहीं किया, बिल्कुल भी, एक सिंगल डे भी मैंने मिस नहीं किया। अगर जिम अपनी तरफ से बंद है तो ठीक है, लेकिन मैंने कभी मिस नहीं किया। ये था मेरा पहला रूल। दूसरा, मैंने अपने डाइट को लेकर मैं बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं सुबह ऑफिस जाता था, 8 बजे मैं ऑफिस के लिए निकलता था और मैं उठ जाता था 5 बजे। उसके बाद मैं अपना जिम जाता था, कार्डियो करके घर आता था। कार्डियो करने के बाद मैं अपनी सारी मील प्रिपेयर करता था पूरे दिन की, जो मतलब ऑफिस से आने तक की जो मेरी मील होती थी वो। फिर ऑफिस से आने के बाद मैं दोबारा वर्कआउट करने जाता था, उस टाइम मेरा कार्डियो नहीं, उस टाइम मैं मसल ट्रेनिंग करता था। देन वापसी आके फिर से मील लेना और अपना रेस्ट। कई रातें मेरी ऐसी निकली है कि मुझे रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और सुबह मुझे ऑफिस भी जाना था। उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं इतना थक जाता था, कई बारी मुझे थकान से नींद नहीं आती थी, कई बारी मैं बहुत सारी चीजें सोचता था कि क्या करूंगा, कैसे करूंगा। क्योंकि इस गेम में मेन होता है आपकी जो आप इसमें पैसा लगा रहे हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना अर्न कर रहा हूँ मैं। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो है पैसे का भी गेम है। कई लोग बोलते हैं पैसे का गेम नहीं है, इसमें पैसा लगता ही है, कम लगता है किसी का, ज्यादा लगता है, लेकिन लगता है पैसा। सो वो सारी चीजें भी मैनेज करना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। मैंने बहुत ज्यादा सेविंग्स करी और मैं पार्टीज नहीं करता था, किसी दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाता था, सिर्फ वर्कआउट, ऑफिस और घर अपना, इसके अलावा डाइट, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा। लास्ट जो आखिरी के 3 महीने थे उसमें मैं अपना कटिंग फेज पे आ गया था। वो टाइम था मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड होना पड़ता है कि अगर आपको इतना खाना है तो आपको इतना ही खाना है, इतना पीना है तो इतना ही पीना है, यही पर्टिकुलर चीज़ें खानी है और इतना ही पानी पीना है। तो वो चीज़ मेरे साथ चलती रही और लास्ट का जो 1 हफ्ता था, कसम से 7 महीने एक तरफ और लास्ट का 1 हफ्ता आपका एक तरफ, वो 1 हफ्ता है ना, बहुत कुछ उसने मुझे सिखाया कि उस 1 हफ्ते में मतलब इंसान की जो क्या बोल सकते हो उसे, इंसान की जो मतलब सहन करने वाली जो चीज होती है ना, शक्ति होती है, वो आखिरी का 1 हफ्ता ही था। वो 1 हफ्ते ने बहुत चेंज कर दिया मेरी फिजिक को भी। उस 1 हफ्ते के अंदर इतने ड्रास्टिक चेंजेस आ गए थे जो कि आपने फिर स्टेज पे देखा ही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कॉम्पिटिशन डे था उसके बारे में हमें बताओ कि कैसा रहा, क्या आपने उस दिन, क्या फीलिंग थी आपकी ओवरऑल अबाउट अगर मैं इंटरनली बताऊं कि मेरे अंदर क्या चल रहा था, तो पहली चीज तो मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रखा था, क्योंकि मुझे 24 घंटे से भी ऊपर हो गया था कि मैंने पानी नहीं पिया था और 1 हफ्ता मुझे हो चुका था कि मैंने नमक भी नहीं, सॉल्ट भी इंटेक नहीं करा। तो बहुत सारी चीजें मैं फेस कर रहा था उस टाइम, मुझे कुछ क्रैम्प्स भी आ रहे थे बॉडी के अंदर, बट ठीक है। सबसे ज्यादा वाइब थी मुझे स्टेज पे चढ़ने की, जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब मुझे अंदर ही अंदर मुझे मोटिवेट करी थी कि हाँ, वो स्टेज तुम्हारे सामने है और आपको इस पर चढ़ना है, ठीक है। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा मतलब एक्साइट कर रही थी। उसके बाद जब टैनिंग लगी बॉडी के ऊपर और मैं जब वार्म अप मैंने किया, अपने आप को पंप किया, तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। और स्टेज पर चढ़ने के बाद मुझे लिटरली 1% के लिए भी मुझे ये नहीं लगा कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये फील नहीं हो रहा था कि मैं पहली बार ये कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस यही तो था जो मुझे चाहिए था। तो मैं यहाँ पहुंचा, स्टेज पर गया, उसके बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मैं और जो मेरे साथ खड़े थे, जितने भी मेरे साथ पार्टिसिपेट खड़े थे, हम पूरे 8 लोग थे। सो मैं सबको नोटिस भी कर रहा था, कोई थोड़ा सा घबराया हुआ था, किसी की पोजिंग गलत हो रही थी, किसी का कुछ हो रहा था, बट ठीक है, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और मेरा फोकस था कि जितना हो सके मेरी टीम मुझे चेयर अप करे। अगर वो चुप हो रहे थे तो मैं स्टेज से उनको इशारे कर रहा था कि कम ऑन। हाँ, वो मैंने भी देखा था, चेयर में। हाँ, और जब वो मुझे चेयर कर रहे थे तो मैं और अच्छी मैं अपना परफॉर्म करने की वहाँ पे कोशिश कर रहा था जितना हो सकता है। और इसका अप्रिशिएशन मुझे कुछ अननोन लोगों ने भी दिया वहाँ पे, जो ऑडियंस थी वहाँ पे मेरे स्टेज पे उतरने के बाद, उन्होंने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई साहब आपकी जो फिजिक है वो बहुत अच्छी थी, आपका वी टेपर बहुत अच्छा जा रहा था।
और ओवरऑल बॉडी आपकी बहुत अच्छी थी, आपकी कमर इतनी पतली है, आपकी शोल्डर इतने ब्रॉड है, बहुत अच्छे, मतलब मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी मिले मेरी पोजिंग के लिए, क्योंकि सबसे बेस्ट पोजिंग अगर आप वीडियो देखोगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट पोजिंग भी वहाँ पे मेरी थी, जो कि मुझे लोगों ने बोला। तो आपका वहाँ पर कौन सा टाइटल लगा है? इतना सब कुछ होने के बाद मेरा जो टाइटल लगा है वो ब्रोंज मेडल लगा है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे हमसे छोटी सी गलती ये हो गई, जो कि मैं समझता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता, छोटी सी गलती ये हो गई कि जो मेरे बॉडी के ऊपर टैनिंग लगी थी उससे पहले ऑयलिंग करना मेरे साथ के जो थे वो भूल गए, जिसकी वजह से मेरी आधी से ज़्यादा सेपरेशन, जो डेफिनेशन होती है बॉडी की, वो छुप गई थी। ये बात मुझे ऑडियंस में भी बताई गई कि आपकी बॉडी जो है थोड़ा कम शाइन कर रही थी, जिसकी वजह से आपके जो डेफिनेशन है, ओवरऑल डेफिनेशन है, वो छुप गई थी। तो शायद जजेस को ये सही नहीं लगा, तो उसके उस चीज़ के मेरे मार्क्स कटे थे, इसलिए मेरा टाइटल जो है वो ब्रॉन्ज लगा। नहीं तो मैं श्योर था कि मेरा गोल्ड लग जाएगा, बट ठीक है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ये मेरी सोच है कि लग जाता, लेकिन वो जजेस मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि उन्होंने अगर मुझे ये टाइटल दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, बट मैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम मैन फिजिक का कॉम्पिटिशन खेला और फर्स्ट टाइम में मेरा ये टाइटल आ गया। सो गाइस, किसी को भी अगर ट्रेनिंग चाहिए जिमिंग से रिलेटेड, अगर पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए या ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, सो वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पर या इनको डीएम कर सकते हैं। सो स्क्रीन पर आपको फ्लैश हो रहा होगा इनका इंस्टाग्राम हैंडल। गाइज, आप सब सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ आज यहाँ कैसे बैठे हैं, मिस्टर गुड़गांव अनुषा के साथ यहाँ कैसे। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरे बुआ के लड़के हैं, सो ही इज माई ब्रदर। एंड सो इनका जो जब इनकी जो जर्नी है, इनसे हमारी बात होती रहती थी, सो बुआ का भी कॉल आ रहा था कि अनुषा जल्दी से लाइव भैया आ रखे हैं, देखो हम सब इतने एक्साइटेड थे। सो हमारे रिएक्शन भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमने वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी है कि भैया जीतने वाले हैं, हम वी वर लाइक कि भैया ही जीतेंगे, भैया ही जीतेंगे। सो हमें बहुत खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा, वी आर वेरी हैप्पी। एंड इनके साथ आगे भी ब्लॉग लाती रहूंगी मैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज। सो मेरे भाई जो है कंपटीशन में जा रखे हैं, मिस्टर गुड़गांव वाले, आगे आ रहा हूँ। एंड हम सब बहुत उनकी लाइव वीडियो देख रहे हैं, एक्साइट हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, और हमें पता है भैया ही जीतेंगे, पर हम प्रे कर रहे हैं गॉड से कि गॉड प्लीज 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 अनिक को जिता दो प्लीज। अनिक ने बहुत मेहनत भी करी है, जीतेगा अनिक ही जीतेगा। सब उनको चीयर अप कर रहे हैं, सब अनिक बोल रहे हैं। प्लीज गाइस आप सुनिए, देखो वानी का निक के लिए चीयर अप कर रहे हैं। उनका नंबर 93 है, सबके सब 93 चीयर अप कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स का। एंड हम लाइव वीडियो देख रहे हैं, एंड नाउ देखते हैं कौन जीतता है। हमें पूरा भरोसा है कि भाई जीतेंगे। अब हमें बेसब्री से इंतजार है कि कौन जीता है, अनिक को ही मेडल मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है।